हेलो एवरीवन, गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम में साडा सब का दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिले। इस कड़कती गर्मी में असी कुछ यही चीज़ पीए जो साडे सिर में ठंडक भी देवे ते सानू गर्मी की लू तो भी बचा के रखे ते पीने विच वी स्वाद बहुत वधिया होना चाहिए। अज आप एक योजा शरबत बनावांगे जिहड़ा कि साडे सिर में ठंडक भी देगा ते सानू एनर्जी भी देगा। शरबत बनाने लई 1 किलो मैं दूध ले, ड्राई फ्रूट्स विच मैं पिस्ता बादाम ते काजू ले ने। इन्हां नूं मैं 4 तों 5 घंटे लिए पानी विच भिओं के रखता सी। 1 चम्मच मैं खसखस ली है, इस नूं मैं पानी विच भिओं के रखता सी। 150 ग्राम मैं मिश्री ली है। सब तो पहला हुण मैं बादामां नूं छिल लेना। जे असीं ड्राई फ्रूट्स नूं 4 तों 5 घंटे लिए पानी विच भिओं के नहीं रख सकते तां 1 अद्धे घंटे लिए तुसीं गर्म पानी विच भिओं के रख दो, तां वी चंगी तरह फुल जाणगे। पिस्ते नूं वी मैं छिल लेना। ड्राई फ्रूट्स में पानी विच भिओं के रखिए तो छिलका बड़े आराम नाल उतर जाता। शरबत विच मिठे लिए मैं मिश्री ली है। मैं धागे वाली मिश्री ली। धागे वाली मिश्री तसी ठंडी होंदी है। ड्राई फ्रूट्स विच जिहड़ा पानी उसनों मैं सिटना नहीं, जदों मैं ग्राइंड करूँगी तो इसनों यूज़ कर लैना। सब तो पहला मैं दूध नूं बॉयल कर लैना। इस दूध नूं पहला बॉयल करके मैं इसकी मलाई उतारी हुई है। इस दूध विच अद्धा कप ठंडे दुध का मैं रख लैना। जो तक दूध बॉयल हो रहा उदों तक मैं मिश्री नूं पीस लेना। मिश्री नूं पीस के मैं इसनों छान लेना तां कि इस दे विचों धागे हुण निकल जाण। मिश्री मैं 150 ग्राम ली है। जे चमचे दे हिसाब नाल देखे तां 5 तों 6 चम्मच इस मिश्री दे बणनगे। जे तुसीं चीनी पाउणी है तां वी तुसीं 5-6 चम्मच चीनी दे पा सकते हो, जां फिर चीनी तुसीं अपने स्वाद अनुसार पा सकते हो। मिश्री नूं मैं पीस लिया। पीसण तों बाद तुसीं देखो एवें छोटे छोटे धागे है, इस करके मैं मिश्री नूं छान लेना। तुसीं मिक्सी विच भी मिश्री नूं ग्राइंड कर सकते हो। हुण मैं ड्राई फ्रूट्स नूं भी पीस लेना। मैं ड्राई फ्रूट्स नूं थोड़ा दरदरा रखूँगी, तुसीं मिक्सी विच भी इन्हां नूं ग्राइंड कर सकते हो। दूध बॉयल हो चुके, हुण फ्लेम मैं लो कर लैनी है। लो फ्लेम ते 4 तों 5 मिनट लई मैं दुध नूं थोड़ा जिहा रिझा लैणा। अद्धा कप ठंडे दुध दा जो मैं रखिया सी उस विच 1 चम्मच मैं कस्टर्ड पाउडर दा पा लैणा। कस्टर्ड नूं हमेशा ठंडे दुध विच ही घुलना चाहिए, नहीं तां फिर इस दे विच गट्ठां बण जांदियां। इस कस्टर्ड नूं हुण मैं बॉयल कीते हुए दुध विच पा लैणा। दुध नूं लगातार हिलाउंदे हुए मैं कस्टर्ड मिक्स कर लैणा। 1 किलो दुध दे विच तुसीं 1 चम्मच तों ज़्यादा कस्टर्ड नहीं पाउणा। इस दे नाल ही हुण मैं पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी पा लैणे, जो आपां पिस्ता बादाम काजू ते खसखस नूं पीस के रखिया सी। फ्लेम मैं लो कर लैणी। लो फ्लेम ते लगातार हिलाउंदे 5 तों 6 मिनट लई इस दुध नूं रिझा लैणा। ये अपना बहुत ही एनर्जी वाला ठंडा ठंडा शरबत बन के रेडी होएगा, क्योंकि जो आप ड्राई फ्रूट्स पाए ने वो आपां नूं एनर्जी देणगे। खसखस ठंडी होंदी है, इस विच आपां मिश्री ऐड करांगे वो भी ठंडक दिंदी है। ये गर्मियों में एक बहुत ही ठंडक ते एनर्जी देने वाला शरबत है। हुण मैं दुध विच मिश्री पा लैणी है। कस्टर्ड पाउण तों बाद 6 तों 7 मिनट लई इस दुध नूं पका लैणा। तुसीं गल दा ध्यान रखना, जिहड़ा आपां शरबत बना रहे हैं दुध पका रहे हैं, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जे ज़्यादा गाढ़ा होएगा तो फिर शरबत नहीं रहना। दूध थोड़ा जिहा पतला ही रहना चाहिए क्योंकि आपां इसनों पीना। इस करके 1 किलो दुध दे विच तुसीं सिर्फ 1 चम्मच ही कस्टर्ड दा पाओ। जे तुसीं कस्टर्ड ज़्यादा पाता तां वो शरबत नहीं रहना, फिर वो कस्टर्ड बन जाएगा। इस शरबत दे फ्लेवर लई हुण मैं इस विच पाऊँगी 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तुसीं देखो अपना शरबत एवें दा होना चाहिए, इस तों गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जदों ठंडा होएगा तां फिर ठंडा होण तों बाद थोड़ा जिहा होर गाढ़ा हो जाएगा। हुण फ्लेम मैं बंद कर लैनी ते इस दुध नूं मैं ठंडा कर लैणा। ठंडा करके इस नूं 3 तों 4 घंटे लई मैं फ्रिज विच रख देना। इस दुध नूं सर्व करन तों पहलां पूरी तरह ठंडा कर लैणा। दुध नूं फ्रिज विच रखिआ, 4 घंटे हो चुके, दुध दा शरबत अपना ठंडा हो चुके, ये सर्व करन लई रेडी है। तुसीं देखो अपना दुध दा शरबत ठंडा होण तों बाद ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जिन्ना पतला शरबत सानूं चाहिए उन्ना कि पतला शरबत अपना रेडी होया। इस शरबत में मैं 4 गिलासा भी सर्व कर रही हूँ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਰੈਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।